हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियंस किचन विद सुनैना। और आज मैं जो आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ, बहुत लोग वो इसलिए नहीं बनाते कि फ्राई करना पड़ेगा, डिफिकल्ट सब्जी है बनाने में, बट बहुत इजी रेसिपी आज आपको बताऊंगी। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी बिना फ्राई किए, बहुत ही क्विक इंस्टेंटली। और इसमें आपको कटहल मार्केट से मिल जाता है, हमें यहाँ पर कटा हुआ भी, छीला हुआ भी। और आप उसे घर पे काटना चाहें तो अपने हाथों पर सरसों का तेल लगा के आप बहुत इजीली उसे कट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कटहल की एकदम इंस्टेंट सब्जी बनाते हैं विदाउट फ्राइंग। ये बात ध्यान देने वाली है कि बिना फ्राई किए हम बहुत टेस्टी सब्जी बनाएंगे आज। और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कटहल बनाने के लिए। मैंने ये फ्रेंड्स कटा हुआ 250 ग्राम कटहल लिया है, इसे हम जैक फ्रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये कटहल है 250 ग्राम, और ये लिए हैं फ्रेंड्स मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज के, इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये फ्रेंड्स मैंने 4 चम्मच दही ली है, ये चम्मच का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, ये 4 चम्मच दही है। और ये मैंने 1 स्पून कोकोनट ऑयल लिया है, कुकिंग कोकोनट ऑयल जो खाने वाला होता है। आप चाहें तो उसकी जगह देसी घी, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कुछ भी यूज़ करते हैं जो आपकी किचन में अवेलेबल हो। और ये मैंने फ्रेंड्स ली है 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च का कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने स्वाद के अनुसार नमक लिया है, यहाँ मैंने 2 छोटी चम्मच नमक लिया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी ली है, 2 छोटी चम्मच गरम मसाला, ये मैंने लिया है चना मसाला 2 छोटी चम्मच, और ये मैंने लिया है 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना कटहल की। उसके लिए हम सबसे पहले टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का एक प्यूरे बना लेंगे। तो हमने ये मिक्सी का जग लिया, टमाटर अदरक और हरी मिर्च की प्यूरी बना लेते हैं। ये हमने टमाटर कट करके मिक्सी में डाले, ये अदरक को हमने लंबा लंबा कट कर लिया 4 इसके पीस कर लिए, और ये हमने हरी मिर्च कट करके डाल दी, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्यूरी बनकर तैयार है, और अब हम इसको कुकर में चढ़ाते हैं सब्जी को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कटहल की सब्जी बनाना। ये हमने गैस पर कुकर रख दिया, इसमें हम डालेंगे हमारा ये कोकोनट ऑयल 1 स्पून, और फ्रेंड्स इसी में हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। ये जो हमने टमाटर और अदरक की प्यूरी बनाई है, थोड़ा सा हिला लेंगे हम इसे। और फ्रेंड्स हम जैसे यूजुअल सब्जी बनाते हैं ना, उसमें मसाला भूनते हैं, इसमें हमें मसाला भूनना नहीं है। इसी टाइम हम इसमें अपना गैस को लो फ्लेम पर करके इसी में कटहल डाल देंगे, और कटहल को हमने टमाटर के साथ ही भूनना है ताकि टमाटर का अच्छा सारा फ्लेवर इस कटहल में आ जाए। ये देखिए हमने प्यूरी में ही कटहल डाल दिया, और अब हम इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पर रख देंगे कुकर को ढककर। विसल नहीं दिलानी, उस हमने ऐसे ढक दिया, और इसको 5 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पर रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, एक बार देख लेते हैं। और ये देखिए हमारे टमाटर कटहल के साथ भून गए हैं, और अगर हमारे थोड़े से टमाटर में भी पानी हो तब भी चलेगा। अभी हम इस स्टेज पर यहाँ पर डालेंगे दही, जो हमने दही लिया है 4 चम्मच, और हम ये अपने सारे सूखे मसाले इसमें डाल देंगे, नमक, हल्दी, गरम मसाला, दालचीनी और चना मसाला। सारे सूखे मसाले हमने डाल दिए अपने सब्जी में,
और अब हम इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी सब्जी की सुंदर लग रही है अभी से। अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हमारी दही भी अच्छे से पक जाए। अब हम इसको फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ऐसे ही ढककर रख देंगे। यहाँ मजेदार बात यह है कि आपको सब्जी का खड़ा नहीं होना, इतने आप अपना कोई और काम कर सकते हैं। 5 मिनट्स भी नहीं, हम इसे 2 या 3 मिनट में एक बार ही चेक करेंगे। हमने लो फ्लेम पर इसे रख दिया ढककर। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो गए हैं लो फ्लेम पर रखे हुए। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले 5 मिनट्स हाई फ्लेम पर रखी थी, अब 5 मिनट्स लो फ्लेम पर आफ्टर एडिंग दही एंड ड्राई मसाले। तो ये हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया है कटहल के साथ, और कटहल में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया होगा मसाले का। बस अब हमें इसे 2-3 बिस्सल दिलानी है। हम इसमें पानी ऐड करेंगे, आधा ग्लास पानी लिया है मैंने। ये हमने पानी ऐड किया। यहाँ हमारी एक सेमी थिक ग्रेवी बनेगी, ना बिल्कुल सूखी सब्जी बनेगी हमारी, ना ही बहुत गीली। ये हमने पानी ऐड किया, अब हम इसे 3 बिस्सल दिलाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारे कटहल गल गए अच्छी तरह कि नहीं। फ्लेम हाई कर देंगे और 3 बिस्सल के बाद सब्जी चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कुकर की स्टीम निकल गई है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी में, अभी इसमें थोड़ा सा ना पानी ज्यादा है, तो हम इसे और एक बार हम कटहल भी चेक कर लेते हैं। आप ऐसे कड़छी से प्रेस करके देख सकते हैं, हमारा कटहल भी अभी थोड़ा सा गला नहीं है, तो हम इसे 2 बिस्सल और दिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं, कुकर की स्टीम निकल गई है बस, और हमारा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, वाओ, हमारा कटहल एकदम बनकर तैयार है बिना फ्राई किए, बहुत ही टेस्टी। और ये गल भी गया है अच्छी तरह से, और अब हम इसे सर्विंग बोल में डाल देंगे, और ये हमारा कटहल खाने के लिए एकदम तैयार है। आज मेरे पास फ्रेंड्स हरा धनिया नहीं है, वरना इसे हरे धनिया से हम गार्निश करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है, और उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा हेल्दी विदाउट फ्राई कटहल बनकर तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म कटहल तैयार है बिना फ्राई किए, एकदम झटपट। कोई हमने मसाला नहीं भुना, कुछ नहीं, और हमारा बहुत इंस्टेंट कटहल रेडी है। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, जरूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट जरूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच रेसिपीज। बाय बाय, टेक केयर टिल देन।